प्रोफेशनल फूड में ऐसा बोल जाना चाहिए तो सर, या फिर एकदम कैलकुलेटिवली करो। ऐसा नहीं करना भी ठीक नहीं लगता, बराबर है थोड़ा टाइम कम जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम। फाउंडेशन में जा सकते हैं, इंटर में नहीं जा सकते, फाउंडेशन में जा सकते हैं, बराबर। हम लोग सुखी बनाने में हम लोग खेलते हैं, मेरे को तो टाइम मुझे जो प्रॉब्लम था ही नहीं एग्जाम के टाइम पे, नवरात्रि आगे वगैरह चल आगे होंगे ना। हेलो तो बैठ तो निकल के बैठ, आज भी जाने की जल्दी है नहीं ना, फिर कम से कम सेटल तो हो जा। आ गया तो बैग में क्या है, बुक है कौन सी, वो सबमिशन के फिर तो निकाल। माइनर है तू, मेजर हो गया मतलब दुनिया, मतलब आना चाहिए ऐसा कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी तो कुछ कर नहीं सकते ना, मेजर हो गया ना तो अभी क्या, तो एटलीस्ट फील तो कर सकते कि हम मैच्योर हो गए। अरे आज मास्क ऐसे हाँ नहीं रखो, अपनी श्रद्धा का विषय है, डरना नहीं डरना। आवाज नहीं आएगा तो क्यों बोलेगी, नहीं छोड़ चलो हायर परचेज। हेलो किया क्या स्टार्ट, अरे तो बोलने हायर परचेज। अच्छा एक ही ट्रांजेक्शन में हायर और परचेज दोनों नहीं हो सकते, तो इसमें कैसे है, देखो बात समझो, ये इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है और लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद वो परचेज हो जाएगा, तब तक क्या है एक ही ट्रांजेक्शन है। हायर परचेज देखा जाए तो इट गिव्स एन ऑप्शन टू अ पर्टिकुलर पर्सन बायर कि मुझे भाई पूरा रिस्क भी नहीं लेना है और हायर पे भी नहीं लेना है, मतलब ऐसा है कि अगर सपोज मुझे मशीनरी परचेज करनी है तो यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बराबर ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर पता है ना कैपिटल रेवेन्यू, तो अकाउंट्स के लैंग्वेज में अगर बात करें तो उसका रिकवरी पे बैक पीरियड तो लंबा जाएगा, व्हाट इज पे बैक, जितना कॉस्ट डाला है उतना रिकवर करने के लिए टाइम तो ज्यादा जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो तो रूल ही है जल्दी, बराबर है। तो ऐसा ऐसी बात है ना कि अगर एक दो साल के बाद ऐसा पता चले कि वो मशीन ही आउटडेटेड हो गई तो मैंने जो भी एक्सपेंडिचर किया वो तो वेस्ट हो गया, वेस्ट नहीं बोल सकते लेकिन टोटल वेस्ट नहीं बोल सकते लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ, तो डजंट मेक एनी सेंस टू परचेज देम। अच्छा ये भी नहीं बोल सकते कि हायर पे लेंगे, जरूरी नहीं है कि आउटडेटेड हो, सो आई एम नॉट श्योर, तो मैं एक सेफ गेम खेलता हूँ, मैं हायर परचेज पे लेता हूँ, मतलब पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगा और जब तक इंस्टॉलमेंट चल रहे तब तक ट्रांजेक्शन हायर होगा विद एन ऑप्शन टू परचेज इट आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, समझा। तो सिर्फ परचेज और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हायर परचेज नहीं होता, हायर परचेज में एक यूनिक फीचर ये है कि ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ट्रांसफर होती है, और ईएमआई में जरूरी नहीं है कि ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट में लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ट्रांसफर। तो हम जो फोन्स खरीदते हैं ना वो यूजुअली हायर परचेज पे नहीं रहते क्योंकि हम इमीडिएटली ओनर बन जाते हैं, खाली हम लोग पेमेंट पोस्टपोन कर, समझा।
तो ईएमआई और हायर परचेज में ये डिफरेंस है, बाकी दोनों में कॉमन चीज क्या है, इंस्टॉलमेंट। बराबर है हाँ, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भरा तब तक वी कैन से नो कि अब तक जितना यूज किया उसके बाद वी डोंट वांट दिस पर्सन। यस एग्जैक्टली, वही तो बोल रहा हूँ, ऑप्शन है, वही तो बोल रहा हूँ, तो थोड़ा लेट आई तो एक ऑप्शन है ना, तो मुझे एक साल के बाद लगे कि मुझे मशीन आउटडेटेड लग रही है, या मुझे मशीन नहीं चाहिए, जो भी मशीन है नहीं चाहिए मुझे, दूसरी चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इंस्टॉलमेंट स्टॉप कर दूंगा। अब इसको ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑलवेज मेरे पास तो वैसे भी ऑप्शन था, तो सामने वाला बंदा ये ऑब्जेक्शन नहीं देता, तुमने प्रॉमिस किया था कि 4 साल इंस्टॉलमेंट भरोगी, नहीं मैंने ये बोला था कि मैं ट्रांजेक्शन हायर परचेस पे कर रहा हूँ, जबकि ईएमआई पे चीज देते हो ना तो तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम सारे इंस्टॉलमेंट पे करोगे, दोनों में डिफरेंस समझा। When you buy a phone or machine, washing machine or anything, you promise the other person that you will pay the entire amount in installments. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये है कि भाई मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहू तो दे सकता हूँ, चाहू तो नहीं दे सकता। अगर तुमने वॉशिंग मशीन का इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दिया तो ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 6 महीने के बाद मैं बंद कर दूंगा, तो सेलर आएगा, ये समझ लेगा कि ये परचेज हुआ ही नहीं था, ये क्या था, और मशीन उठा के लेके जाएगा, कुछ भी नहीं बोल सकता वो, क्योंकि उसने दिया भी था हायर परचेज। मेरे हिसाब से यूएस में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है आईफोन का, तो वो हायर परचेज हो सकता है, मतलब ऐसा है कि वो बोर हो जाते तो फोन वापस दे देते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में लेते, वो फोन परचेज नहीं करते यूजुअली। सगुल ने पर यूएस में ये ट्रेंड है कि फोन परचेज नहीं किया जाता, बिकॉज ऑब्वियस रीजन से यार, फोन तो हर 6 महीने एक साल डेढ़ साल के बाद नया टेक्नोलॉजी आ जाता है अपडेट, हाँ 6 महीना, लेकिन 6 महीने रगड़ लिया सपोज, 1 साल ज्यादा हो गया फोन के लिए उधर, तो लेकिन ये तो नहीं ना कर सकते कि 1 साल के लिए फोन परचेस करे वो भी आईफोन जैसा फोन। अब यूएस में सस्ते में मिलता है लेकिन इतना नहीं ना, समझ में आया, तो वो सेफ गेम खेलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते हैं, नहीं तो पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, परचेस कर लेंगे, या फिर बीच में कभी लगे तो वापस दे देंगे, तो ये ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वेयर एज ईएमआई में, वापस बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने ईएमआई कवर नहीं की, ईएमआई में सिस्टम ऐसा रहता है कि यू प्रॉमिस द अदर पर्सन टू पे ऑल द इंस्टॉलमेंट, हियर यू मे और मे नॉट, दैट इज अप टू यू, सामने वाला बंदा कुछ नहीं बोल सकता, जो क्या हुआ तुमको क्या करने का, मुझे नहीं चाहिए मशीन, कोई डिफॉल्ट नहीं है, वो आएगा सीधा और समझ लेगा कि ये परचेज हुआ ही नहीं, ये क्या है, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, हायर एज वेल एज परचेज, ये एक ऑप्शन मिलेगा, पढ़ो अभी सीधा डिस्टिंग्विश करोगे तो भी चलेगा। अब इसमें समझना ना, सुनो ना सुनो, इसमें ओनर कौन होगा, जब तक परचेज नहीं होता तब तक सेलर, बराबर ना, तो अगर गुड्स टू कुछ हो जाते तो तुम्हारी रिस्क नहीं है, सेलर की रिस्क, तुमने जानबूझ के नहीं तोड़ा रे, मशीन अपने आप खराब हो गई तो उसकी रिस्क तुम्हारी नहीं, क्योंकि वो ओनर है, तुम तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ओनर बनोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, नेक्स्ट डे पे खराब हो गई तो तुम्हारी रिस्क, सिंपल। नहीं हो रही, ओनरशिप को ट्रांसफर होगी लास्ट इंस्टॉलमेंट, लेकिन ओनरशिप नहीं बोलने का, मैं खुद ही बोल रहा हूँ ओनरशिप, लेकिन प्रॉपर्टी गुड्स बोलने का, प्रॉपर्टी इन गुड्स बोला था ना, प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप। अरे ओनरशिप लिखोगे तो रॉन्ग नहीं है, इंस्टीट्यूट ने भी लिखा है, तुम लिखो ना प्रॉपर्टी इन गुड्स, ज्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टीट्यूट ने दोनों लिखा है तो तुम प्रॉपर्टी लिखो, कैसे करना कैसे, हाँ निकल गए ना, हाँ वो लग गए थोड़ा, चल स्टूडेंट लोग ने खराब किया, कुछ भी
हो सकता है इसको मुझको क्या उसको हाथ में देखे मगर मुझे बोल सीधा बोल दिया तो, हाँ सेल हाँ पढ़ो पढ़ लो सारे पॉइंट्स इतना टाइम हो गया ना हाँ बर्डन ऑफ रिस्क तो बोल दिया मैंने कि सेल में किसकी रिस्क होगी बायर की क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया हायर परचेज में रिस्क नहीं होगी बायर की क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ बोला ना मैंने हाँ दूसरा पॉइंट क्या है हाँ क्या होगा पोजीशन पढ़ लो ना क्या हुआ पढ़ो तुम्हारे पास गुड्स है तुम ओनर नहीं हो तो तुम कौन हो सर सिमिलर है क्या हाँ बराबर परफेक्ट है गुड टाइटल का मतलब ये है कि अगर वो किसी को ट्रांसफर करे टाइटल मतलब ओनरशिप तो गुड टाइटल हो जाएगा मतलब उसमें कोई झोल नहीं रहेंगे रीसेल मतलब बेच सकता है सिमिलर ही एकदम सिमिलर है गुड टाइटल का मतलब ये है कि भाई पूरा ओनरशिप दूसरे को जाएगा हायर परचेज में बायर बेच ही नहीं सकता क्योंकि अभी तक ओनर नहीं बना है बस गुड टाइटल मतलब परफेक्ट टाइटल परफेक्ट ओनरशिप ओनरशिप में कोई घपला झोल नहीं है बोनाफाइड परचेजर मतलब जेन्युइन परचेजर ये अभी अभी नहीं समझेगा यूनिट थ्री वाला एक क्वेश्चन करेंगे कभी समझ में आ जाएगा अभी कर लेंगे वो इसके बाद वो क्वेश्चन ही करते हैं यूनिट थ्री में बोनाफाइड परचेजर तुमको समझ में आ जाएगा कौन होता है फिलहाल के लिए व्हाट इज बोनाफाइड जेन्युइन जिसकी कोई गलती नहीं इनोसेंट नेक्स्ट पढ़ लिया चल नेक्स्ट और क्या बचे सेल हाँ एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस बचे अब मैं उसको शॉर्ट में कर लेते हैं एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस कैसे डिसाइड होगा मतलब प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे प्राइस एसर्टेनमेंट या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड बाय थर्ड पार्टी
as mentioned in the contra question, as mentioned. Yeah, manner is mentioned. Barabar na second point kya diye? Course of dealings hoga na? Course of dealings. Decide करेंगे किसे for example price जितना होगा मतलब जितना cost होगा तुम देखो ना अभी हम furniture वगैरह दे रहे हैं वापस में वही example देते तो वो exact नहीं बोलते वो बोलते कि खर्चा होगा उसके accordingly हम price decide करेंगे we are not sure होता है ऐसा अंदाज से बता देते हैं ऐसा नहीं बताएंगे कि भाई 40,000 बोलो और 1.5 लाख हो गया ऐसा नहीं लेकिन 40 का 45 हो सकता है समझने की बात है तो वो कोर्स ऑफ डीलिंग्स जैसा डीलिंग्स होगा जैसे धीरे धीरे ट्रांजेक्शन आगे बढ़ेगा वैसे प्राइस फिक्स होगी थर्ड वो भी सर्टन है मतलब वो बोल देगा कि भाई जितना खर्चा होगा उस पर मेरी इतनी मजदूरी तो वो भी सर्टन है ना वो अनसर्टन नहीं है अमाउंट मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अमाउंट खाली 5,000-10,000 ऐसे नहीं होता जितना खर्चा होगा उसके ऊपर मेरा मजदूरी इतना इतना ये भी सर्टन है क्योंकि कुछ ना कुछ तो खर्चा होने वाला है अब कितना खर्चा होने वाला है वो हम नहीं बता सकते अभी क्योंकि पहले नाप लेना पड़ेगा फिर उसके हिसाब से बहुत सारी छोटी मोटी चीजें लगती है वो लग सकती है वो हर चीज का कैलकुलेशन नहीं ले सकता कोई भी बोल सकता अंदाज से बोलते हैं जो भी कारपेंटर होता है जो भी कारीगर होता है वो अंदाज से बोलते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर नीचे नहीं जाता ऊपर ही जाता है वो बात अलग है कोर्स ऑफ डीलिंग्स थर्ड माय थर्ड पार्टी उधर क्या लिखा है जाने दो माय थर्ड पार्टी वैल्यूअर अब कभी कभार गुड्स की वैल्यू ऐसी है ना कि इवन पार्टीज नहीं डिसाइड कर सकते सेलर भी नहीं बायर भी नहीं से फॉर एग्जांपल प्रेशियस स्टोन है हीरा वगैरह वैसा माणिक वगैरह होता है ना हीरा या माणिक वगैरह ऐसे होते जेम्स कैडबरी नहीं जेम्स मतलब वो स्टोन्स अब उनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है मतलब तुम उसको देख के बोलो कि ये क्या है इसका क्या करेंगे लेकिन उसकी वैल्यू करोड़ों भी हो सकती है उसकी यूटिलिटी कुछ होती नहीं है डायमंड्स की क्या यूटिलिटी कुछ नहीं है अब तुमको शायद मिल जाए तुमको पता नहीं है डायमंड क्या है तो तुम बोलोगे ये क्या है पत्थर है क्या है एक दूसरे लेकिन हो सकता है कि उसकी वैल्यू लाखों में हो तो सेलर बेच रहे बायर खरीद रहे लेकिन सेलर को भी वैल्यू नहीं पता बायर को भी नहीं पता तो भाई पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लो कि थर्ड पार्टी वैल्यू डिसाइड करेगा समझा कदम ऐसा भी हो सकता है तीन तरीके से प्राइसिंग हो सकता है अब इधर एक है अगर हमने डिसाइड किया दोनों ने कि ये वैल्यू है इसके पास जाएंगे ये जो वैल्यू बोलेगी उस पे डन कर देंगे क्योंकि हमको भी मुझे भी नहीं पता उसकी वैल्यू क्या तुमको भी नहीं पता इसमें अफेयर है तो इसके पास गए और ये भी नहीं कर पाए इतना प्रेशियस सोने सर के मुझे भी नहीं पता मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा इतना यूनिक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वो फिर दूसरे के पास भी जा सकते हैं ना ये कॉन्ट्रैक्ट वो फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बना कि हमने क्या बात की कि थर्ड पर्सन जाएंगे इसके पास स्पेसिफिक पर्सन अब ये नहीं कर पाए तो अवॉइड हो जाएगा फिर दो मिनट में दूसरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा दो मिनट छोड़ो कुछ सेकंड्स में हो जाएगा दूसरा देखे नया कॉन्ट्रैक्ट अब थोड़ी ज्यादा टाइम लगना चाहिए ऐसा जरूरी थोड़ी है दो सेकंड में वो दूसरा ट्रांजेक्शन बन जाएगा चलो ठीक है दूसरे दुकान में देखते नया कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेस वर्ड्स होने चाहिए इंटेंशन इंपॉर्टेंट है वो तुम वर्ड से करो एक्शन से करो जैसे चाहिए वैसे क्लियर एक और है हम में से दोनों मतलब तो कल जाने वाले तो मैं अभी शांतपति क्या करता हूँ बोलता मैं उसको फोन करता हूँ और बोलता हूँ जो भी भाव रहेगा ना ज्यादा बोलना तो गलत अब ये जब बात इसको पता चलेगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वॉइडेबल फ्रॉड है वॉइड नहीं वो कितना भाव होगा जो भी अगर 15 लाख होगा सपोज मुझे नहीं पता कितना है लेकिन जब 15 लाख होगा तो तुम 20 लाख बोल देना समझा वो दे देगी इसमें मेरा क्या फायदा तुम ज्यादा ले लेना कमीशन तेरा जो भी चार्जेस है उसमें और 50,000 1 लाख 1.5 लाख ज्यादा ले लेना वैसे भी वैल्यूएशन का चार्जेस ले लेके कितना लेगी तू तुमको थोड़ी कुछ कारण देख के खाली करना है तो 10,000-15,000 ही लगी मैं वो तो 1 लाख दे देता हूँ तू भी खुश मैं भी खुश
वो तो वैसे भी पागल है, ये खरीदा है क्या? तो है पागल तो सौ पागल कर लेते हो, क्या फर्क पड़ते है? समझ में आया? अब दोनों का फायदा हो रहा है और एक का ही नुकसान है, तो कर लेते ना दोनों का फायदा। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। पर ये गलत है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। इसको पता नहीं चला तो पता नहीं चला तो लॉ पूछने का नहीं, पता चला तो ही लॉ आता है। इसको पता नहीं चला तो हमको थोड़ी पता चल रहा है कि हम कितने बार रोज उल्लू बनते हैं। नहीं सर नहीं बनते। क्या नहीं बनते? जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो कौन सा? वो तो भी तो उल्लू ही हुआ ना एक तरीके से, और वो तो ज्यादा फ्रॉड हुआ, बड़ा फ्रॉड। हमको थोड़ी पता ये रहा कि अभी तक जी रहे हैं। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉड तभी होता है जब पता चले वो, नहीं तो थोड़ी फ्रॉड होगा। क्लियर है? या फिर ये भी ऐसे बोल सकती है कि तुम एक काम करो, प्राइस कम कर देना। इन अ वे, इन सिंपल वर्ड्स, इफ एनी ऑफ द पार्टीज prevents the third person from valuation in any manner, then the contract is voidable at the option of the other party. समझा? जो party prevent करेगी, prevent ही कर रहा हूँ ना उसको, correct pricing से prevent कर रहा हूँ मैं कि correct pricing मत बोलना, तो सामने वाला party can avoid the contract, खत्म। तो मैं अगर उसको फोन करूंगा तो मैं बोलूंगा price बढ़ा के बोल, ये फोन करेगी तो ये बोलेगी price, तो दोनों वो नहीं बसेंगे, दोनों नहीं पूछेंगे, एक ही बोल देंगे कुछ। ये समझा? बस इतना ही, इतना ही खत्म। असर्टेनमेंट प्राइस, प्राइस असर्टेनमेंट खत्म। ये तीन चीजें, इसमें रूल दो, इफ थर्ड पार्टी फेल्स देन व्हाट? If third party fails, then what? Contract void. Dusra point. If any party, मतलब पूरा आंसर खुद को ही बनाना है, वो छोड़ देना है तो ही निकलो, वो परफेक्ट मार्च मिलेगा, कोई टेंशन मत लो। If any party prevents him then what? Contract is voidable. इसमें add कर देना at the option of other party. समझे ना? At the option of other party, agreed party. Unit 1 complete. हो गया ना? अभी कंप्लीट हो गया ना? अब यूनिट 3 पे जाओ और सबसे हेवी एक क्वेश्चन है वो कर लेते। ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो जितना टाइम बचा उसमें। यूनिट 3 में निमोटेट कोड नॉन हैबिट विद एक्सेप्शन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय ओनर ऐसा कुछ आएगा, एक्सेप्शन होंगे देख, 7-8 एक्सेप्शन। हाँ करो। यूनिट 3
जून लो आराम से। डन मैं मतलब मिल गया एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। उस एक क्वेश्चन का बाकी टॉपिक से लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन और लंबा है और डाउट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अच्छा मतलब तो डिफिकल्ट है, ट्रिकी है। अच्छा कॉन्सेप्ट इज सुनो, मतलब आज पूरा भी हो गया ना खाली तो भी मतलब बड़ी बात नहीं है, वो तो हो ही जाएगा लेकिन वो अच्छे से होना चाहिए। दूसरा कुछ नहीं हुआ तो भी चलेगा, खाली वो एक क्वेश्चन हुआ तो भी चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ दैट कोड नॉन हैबिट, ऐसा मिलेगा तुमको, मिला ना? अब इसका मतलब क्या है उधर दिया होगा, उसके आगे देख जो जिसका नहीं है वो चीज नहीं बेच सकता। फॉर एग्जाम्पल सेलम गुड सेक का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं घर में रहता हूँ लेकिन घर मेरे नाम पे नहीं है, ये सेलम गुड सेक का एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि घर तो आता नहीं है, लेकिन लॉजिक सेम ही है। मैं घर में रहता हूँ लेकिन मैं घर का टेनेंट हूँ तो मैं घर बेच सकता हूँ क्या? नहीं बेच सकता। टेनेंसी पे दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, सबलेट बोलते हैं। मुझे लेटआउट किया, मैं उसको सबलेट कर रहा हूँ कि तू भी आ, रेंट शेयर करेंगे, ओनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, घर तुम्हारा है, तुम 10 लोग रहो, मुझे रेंट दे दो, बात खत्म करो। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई अगर होते हैं ना यूजुअली पीजी में वैसे ही होता है ना, तो दो चार लोग एक साथ रह रहे तो रेंट डिवाइड हो जाते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट है, ओनर को क्या प्रॉब्लम होगा? तो नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट, या फिर नो वन कैन पास, ये ज्यादा सही है, पास अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। ये समझा गया? बात एक ही मतलब मैंने गुड्स रेंट पे लिए तो मैं रेंट पे दे सकता हूँ, रेंट पे लिए तो रेंट पे दे सकता हूँ, उससे बेटर टाइटल नहीं ट्रांसफर कर सकता। बेटर टाइटल मतलब ओनरशिप नहीं कर सकता। इन सिंपल वर्ड्स अगर बोले तो ओनली ओनर कैन सेल, नॉन ओनर कांट सेल, खत्म। ये समझा ना? ऐसे एली आएगा ना, ऐसे एली आएगा ना, बेटर नहीं ना, इसलिए मैंने ज्यादा सही स्टेटमेंट ये, भले मॉड्यूल में दूसरा दिया है, मॉड्यूल में दिया वो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगेगा उसको मॉड्यूल में, इंस्टीट्यूट वुड अप्रिशिएट दिस सेंटेंस। तो उनका भी लिखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद ये भी लिखो ओनली ओनर कैन सेल, नॉन ओनर कांट सेल, फिर सीधा जाने का एक्सेप्शन पे, फिर राम कथा सुनाने की नहीं, ये लिखा बात खत्म, फिर सीधा जाने का एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन को अच्छे से पढ़ना है। इसमें कुछ दम नहीं है ये कॉन्सेप्ट में, ये तो छोटा बच्चा भी बोल देगा कि भाई तुम ओनर नहीं हो तो तुम बेच कैसे सकते हो, तो बेचेगा भाई जो ओनर है, ये तो छोटा बच्चा भी बोल देगा। इसमें क्या है, बात आगे है एक्सेप्शंस में। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, थोड़ा कंफ्यूजन है कुछ, दो तीन पॉइंट्स में है कंफ्यूजन,
तो जो भी डाउट है वो अभी सेटल कर लो, वही ठीक रहेगा, अच्छे से पढ़ते, एक क्वेश्चन हुआ तो भी चलेगा। ओके, एक्सेप्शंस, इसके एक्सेप्शंस फर्स्ट क्या है, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, मतलब एजेंट। अब बात सिंपल, एजेंट थोड़ी ओनर होता है, लेकिन वो सेल कर रहे तो वैलिड है ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल ओनर। लेकिन एक बात है, उसमें तीन कंडीशंस है, वो चेक करो। फर्स्ट पढ़ो ना, डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स उसके पास है, या तो गुड्स उसके पास है। दूसरा, एक और चीज, डॉक्यूमेंट या गुड्स है विद द परमिशन ऑफ द ओनर, मतलब चोरी नहीं किए, ओनर ने दिए। हाँ, सेकेंड, what is ordinary course of business as an agent वो बेच रहे, तो उसका नॉर्मल काम है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब उसका नॉर्मल एजेंट का नॉर्मल काम क्या होता है, बेचना। तभी तो उसको एजेंट अपॉइंट किया है, तो उसने वही काम किया। थर्ड, इफ द बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ एंड हैज एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी, उसका कोई लेना देना, मतलब ऐसे समझो कस्टमर तो एजेंट को ही ओनर मान रहे हैं। समझ में आया? तो उसकी क्या गलती है? अब एजेंट बेच रहा है तो ये थोड़ी बोल के बेचेगा कि मैं किसी का एजेंट हूं, वो तो बेच देगा, तुम खरीद लोगे, तो तुम्हारी थोड़ी गलती है। इसको बोलते हैं बोनाफाइड परचेसर, मतलब गुड फेथ वाला परचेसर। जो अगर कोई इसमें झोल हुआ होगा, हो गया होगा इसमें और मेन ओनर में झोल हुआ होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन इसका थर्ड पार्टी से क्या लेना देना, उसने तो गुड फेथ में खरीदा। तो थर्ड लाइन इतना ज्यादा जबरदस्ती इतना लिखने की जरूरत नहीं है, खाली एक ही लिखने का, उसमें शॉर्ट करने का, बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ, और वो पॉइंट सारे एक्सेप्शन में आएगा। हाँ है ना, उधर वो पॉइंट सारे एक्सेप्शन में आएगा, दो छोड़ के, मतलब कितने एक्सेप्शन है टोटल, आठ है ना, तो छह में ये पॉइंट कॉमन आएगा, बायर एक्सेप्टेड इन गुड फेथ, दो में नहीं आएगा। कौन से दो में और क्यों नहीं आएगा वो सब डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। अब कुछ ऐसा कि हम दोनों भाई है, जॉइंट प्रॉपर्टी है दोनों के नाम पे, आगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं ना वैसे। अब उसमें बहुत सारे घर है, अमीर लोग है, रईस है, कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस बैठ लेते और पैसे आ जाते अपने आप, फील तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। ये अलग घर में रहता, मैं अलग घर में रहता, अब घर भी इतने तो अब एक विरासत में है, मतलब लीगेसी में बोलते ना, उस विरासत ही बोलते ना। मैं परसों ये देखा रहा था पिक्चर, कौन सा वो गोलमाल फर्स्ट पार्ट, तो उसमें संदूक दिखा है, नहीं देखा होगा जाने दो, ट्रेजरी बॉक्स है वो, आ गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमारे पास आ गया। अब वो उसको दो दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते कि आधा तू रख आधा मैं रखता हूँ, तो उसका पोजेशन मेरे पास ना, हम दोनों है 50-50, समझ में आ रहा है, लेकिन पोजेशन मेरे पास है, किसी एक के पास ही होगा ना। तो मैंने क्या बोल दिया, देख तेरा छोटा सा घर है 4 BHK का, मेरा पैलेस है, तो इतना संदूक तेरे को जगह किधर मिलेगी तेरे को, हमको तो आदत है बड़े घर में रहने की, एकदम सोचने में क्या जाते हैं ना, तेरा एकदम छोटा सा घर है खाली 4 BHK के, तो मैं मेरे पास रख लेता हूँ, और वैसे भी मैं बड़ा भाई हूँ, तो तेरे को मानना ही पड़ेगा, पूरा ठीक है रख, तो मेरे पास रख। अब मेरा पहले से घूमने आती, मैं पार्ट टाइम टूरिस्ट को भी दे देता हूँ, उसमें भी पैसे मिले,
पहले मेरा नेम में खाना नहीं है ना, तो ये भी आ जाती है देख लेते, और उसको ट्रेजरी बॉक्स बड़ा पसंद आता है, मुझे चाहिए। नहीं बेटा नहीं, नहीं चाहिए ही चाहिए, अब जो चाहिए प्राइस बोलो। अब उसको थोड़ी पता कि मैं इसका आधा ओनर हूं, वो तो मुझे ओनर समझ रही है पूरा। अब क्या मैं पूरा का पूरा संदूक इसको बेच सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइटल है, आई कैन नॉट पास बेटर टाइटल, 50% टाइटल मेरे पास है, 50% से ज्यादा मैं उसको ट्रांसफर तो नहीं कर सकता। अब उस बेचारी की क्या गलती, तो मैंने पे कर, मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं वो खानदानी है तो हमारे सेंटीमेंट्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे बोलना पड़ता है। 15-20 लाख देती हूँ फौरन लेके जा, सॉरी बोल दूंगा बाद में उनको मैं। अब पैसे मिल रहे तो क्या सेंटीमेंट्स, सॉरी बोल देने के ऊपर क्या रख के करूंगा मैं उसको, जरूरतमंद तो काम आए ना। वो उसका क्या करेगी वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन है ना गली स्टोन्स खरीदते हैं, ये भी खरीदते, डोंट माइंड। लेकिन एक कैटेगरी होती है ऐसे, इनके पास बहुत सारे पैसे रहते हैं और ऐसे उड़ाने के होते, फालतू सी पेंटिंग होगी उसको 2-2, 4-4 करोड़ रुपया देंगे। तो पेंटिंग इतनी अच्छी होती है कि तुम ऐसे रखो या उल्टी करके रखो, इतना जबरदस्त पेंटिंग रहती है। छोड़ो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वगैरह कुछ बोलते हैं, छोड़ो ये समझ में आ गया। दिस सेल इज वैलिड, मेन आंसर मेन पॉइंट ये कि दिस सेल इज वैलिड, तो ये कुछ नहीं कर सकता, वो गुड्स रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी गलती थोड़ी सी है, मुझ पे भरोसा क्यों किया, ये इसकी गलती है। ये एकदम इनोसेंट है, जब तुमको लगे कि दो लोग इनोसेंट है तो दोनों में से ज्यादा इनोसेंट कौन है उसके साथ पहले जस्टिस करो, ये ज्यादा इनोसेंट है। तो इसको पैसा मिलेगा ना, तो क्या नहीं तो क्या कहना मिलेगा, नहीं पैसा मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, 50 से ज्यादा मिलना चाहिए उसको, क्योंकि उसके साथ 50 तो इसका हक का बनता है, और 50 में से बाकी क्यों मिलेगा, क्योंकि उसमें फ्रॉड हुआ है, इसके साथ फ्रॉड है ना, ये तो वैसे देखा जाए तो वॉइडेबल वाला फ्रॉड नहीं है लेकिन चीटिंग है। तो ये गुड्स नहीं रिकवर कर सकता, नहीं कर सकता, कितने भी लगे तेरे को तो भी नहीं, ज्वाइंट ओनर कैसे भी दोनों ने मिलकर करना है। मैंने बताया कि एंसेस्टर है, हम दोनों ज्वाइंट ओनर हो सकते हैं, पर हम दोनों अदरवाइज ज्वाइंट ओनर कैसे होंगे, हुए तो भी मैरिड। हाँ क्या बड़ी प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं बिना उसके परमिशन, फ्लैट नहीं गुड्स है ना, खुलती से भी सेल ऑफ गुड्स है ना, फ्लैट का एग्जांपल लिखोगे ना तो रॉन्ग दे देंगे। गुड्स तो गुड्स में तुम कार वगैरह कुछ भी लिखो प्रॉब्लम नहीं है, या फिर मत लिखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रॉन्ग लिखोगे तो ज्यादा भयंकर है। नहीं लिखोगे एग्जांपल तो नुकसान नहीं है, रॉन्ग लिखोगे तो नुकसान है। रॉन्ग मत लिखना कुछ भी, तुमको स्ट्राइक नहीं हो रहा है उसके एग्जांपल, नो प्रॉब्लम, पॉइंट लिख आगे बढ़, ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते ना सोचने में, समझा ना, या ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन छोड़ सकते हो, वो कर सकते हो कि भाई बाद में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन तुम सोचने में ज्यादा टाइम कर ही नहीं सकते, डाल ही नहीं सकते, क्योंकि पेपर अदरवाइज कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरा पार्ट जो है बीसीआर या जो भी है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा भी नहीं है, वो डिफिकल्ट होता है ऐसा मैंने तो नहीं सुना, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इन शॉर्ट उसका इम्पैक्ट, भाई बीसीआर टफ हो या ये टफ हो, इम्पैक्ट तो पूरा पेपर पे पड़ेगा। तो भाई जो भी रीजन है उसकी वजह से लॉ का पेपर रहना नहीं चाहिए, और लॉ की वजह से ऑब्वियसली बीसीआर का भी रहना नहीं चाहिए, वो भी है, वो तो उस वक्त डिसाइड डिस्कस हुआ था कुछ दिन पहले कि तुम दोबारा हिसाब से देखो, तुमको पहले लॉ अटेम्प्ट करना है तो लॉ अटेम्प्ट करो, पहले बीसीआर अटेम्प्ट करना है तो पहले बीसीआर अटेम्प्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको नहीं ऐसा नहीं कर सकते, बीसीआर का पहले लिखा बाद में बीसीआर कर लिखा, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, एक ही पेपर है ना, एक ही पेपर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सेवरेबल है, तो पहला है बी पार्ट करो बाद में ए पार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये वाला जो सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट वो वाला एग्जांपल आ सकता है, एज इन 3 GB है ट्रॉफी, हाँ एंड देन वन ऑफ द ट्रॉफी करेक्ट है, ट्रॉफी नहीं, हाँ बोलो, तो वन ऑफ द पर्सन वांट्स टू सेल इट हु इज इन पजेशन,
ये वो एग्जाम्पल ट्रॉफी उन लोग के पास नहीं होती, उनके ज्वाइंट पर नहीं है वो ट्रॉफी, टीम को मिलती है, बीसीसीआई को मिलती है, या उस टीम के टीम का एक अलग एग्जिस्टेंस होता है उसको मिलती है, ज्वाइंटली नहीं मिलती तो ट्रॉफी तो एग्जाम्पल ही रॉन्ग है, क्योंकि वो उनके नाम पे ज्वाइंटली नहीं होती, वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं तो वो नहीं भेज सकते, पर यहाँ पे करेक्ट है ज्वाइंट ओनर में, समझा ना, लेकिन ये समझा ना बस, और अब जो पूछना है पूछ ले दो राइट जाएगा, लेकिन इसको पता था कि मैं आधा ओनर हूं तो भी इसने करी दी, तो ये गुड फेथ वाली बायर नहीं है, शी हैज नॉट एक्टेड इन गुड फेथ, तो ये रिकवर कर लेगा, क्योंकि आप दोनों में ज्यादा इनोसेंट कौन बनेगा, ये तो है ही नहीं इनोसेंट, ये तो जानती है कि मैं आधा ओनर हूं, तो लॉ ऑलवेज सपोर्ट इनोसेंट पीपल नॉट केयरलेस पीपल, तो ये नहीं अभी इसके साथ जस्टिस होगा पहले, और फिर इसका पैसा भी सब कुछ होगा तो उसको मेरे तरफ से मिल जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती मेरी है, तो पहले केस में इसको पैसा मिलेगा, दूसरे केस में इसको पैसा मिलेगा, हमारी भी गलती है ना, लॉ तुमको सपोर्ट नहीं कर सकती, समझा, पक्का क्लियर है, दूसरा पॉइंट भी कर, तीसरा एग्जाम्पल पढ़ लो, ठीक है, फर्स्ट का भी पढ़ लो, सेकंड का भी पढ़ लो, अदरवाइज सुनो सुनो, अदरवाइज कोर्ट विल अज्यूम कि इसको पता नहीं था, अगर मुझे लगता है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा या इसे प्रूव करना पड़ेगा कि उसको पता था, अदरवाइज कोर्ट को अज्यूम तो करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, सी हर चीज थोड़ी प्रूव करनी पड़ती है, कुछ अजम्पशन चाहिए, जैसे कोई बंदा मर्डर के केस में पकड़ा गया है तो लास्ट तक अज्यूम किया जाता है कि वो गिल्टी नहीं है, ये प्रूव करना पड़ता है सामने वाले को कि वो गिल्टी है, ये नहीं प्रूव करना पड़ता कि मैंने, हाँ अगर गिल्टी प्रूव हो गया तो तुमको तुम्हारे साइड में क्या कहना है, लेकिन अदरवाइज इट विल बी अज्यूम कि उसने नहीं किया है, सेम ये इनोसेंट है, इससे ज्यादा तुम थोड़े कम इनोसेंट हो, ये ज्यादा इनोसेंट, तो मैं नहीं हो रहा इनोसेंट, तो मुझे तो सफर करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा ना, सबको थोड़ी सब थोड़ी उसको देना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा दे देंगे, अगर 1 करोड़ का है तो उसमें सपोज 1 करोड़ का है तो 50 लाख 55 लाख दे उसको, तो वो भी खुश, मुझे 45 तो मिलेगा, क्योंकि मैं आधा ओनर था, ये बात नहीं है कि मैंने चोरी करके बेचा, ये है ना, हाँ सर खत्म, अब कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये देखना अपना काम नहीं है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, दोनों एग्जांपल पढ़ लो, हाँ 3 साल पूरे हो गए तो नहीं हो सकता, तो जब पता चलेगा उसके बाद 3 साल गिनने का, उसको पता लेट चला तो 3 साल तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे पता लेट चला, 3 साल गिन जाए ना तो 3 साल मतलब तुमको फ्रॉड पहले पता तो चलना चाहिए, उसके बाद 3 साल गिनेंगे, तुमको 2 साल के बाद फ्रॉड हुआ पता चला, पर वो प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे 2 साल के बाद पता चला, फिर वो पूछेंगे 2 साल कैसे, 2 साल के बाद कैसे पता चला, वो अकाउंट 2 साल पुराना था ना, वो मैंने 2 साल के बाद देखा, चल निकल तुम्हारी गलती है, तुम 2 साल सो रहे थे, तुम्हें अकाउंट इमीडिएटली देखना चाहिए था, अकाउंट से जो भी है जिस किसी भी केस में तुम ये बोलते हो कि मुझे लेट पता चला, तो ये पूछा जाएगा कि भाई क्यों कैसे लेट पता चला, नहीं वो आपने देखा नहीं, तुम्हारी गलती, आर्या ऑफिस में आने के लिए, हाँ बाद में आने, तो अभी पकड़ तेरा ही है ना, देख चेक कर, अच्छा सबके है, बाद में डिस्ट्रीब्यूट, बाद में कर डिस्ट्रीब्यूट, सर आपने 50% शेयर उसको दिया तो वो बराबर, लेकिन आपने, हाँ लेकिन आपने उसको पूरा ही दे दिया, फिर वो लेकिन इसमें तो आधा पॉसिबल नहीं है ना, वो आधा थोड़ी दे गए, उसको तो वो चीज चाहिए ना, तो उन्होंने क्या दिया है कि इफ वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स इज इन अ पोजीशन ऑफ द एंटायर कमोडिटी एंड इफ ही मेक सेल or if you sell that commodity to someone else, third party, and the third party has acted in good faith. What is good faith? She believes that I am the complete owner. वो obviously assume करेगी ना उसकी क्या गलती? ऐसे थोड़ी तुम question पूछोगे कि तुम उसके पूरे owner हो या नहीं? ये तो basic assumption है.
ये इम्प्लाइड है, पूछने की जरूरत नहीं है। पूछ भी लेगी तो भी मैं बोलूंगा हाँ मैं ही ओनर हूँ, वो थोड़ी रिसर्च करेगी, करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे तो फिर भाई तुम कभी कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाओगे, हर बार थोड़ी शक की नजर से देखना चाहिए। क्या गलती है? कुछ गलती नहीं है। बट लॉ एक बेसिक अजम्पशन, एक और प्रिंसिपल बोलता है कि लॉ तुमको जरूर सपोर्ट करेगा अगर तुम इनोसेंट हो तो, लेकिन तुमको अगर पता चल रहा है कि सिचुएशन सस्पिशियस है, इसका लॉजिक आएगा कंपनी एक्ट में, सस्पिशियस है मतलब कुछ गड़बड़ है, और फिर भी तुमने वो काम किया तो शायद तुमको प्रोटेक्शन ना मिले। मैं एक और एग्जाम्पल इसका रिलेवेंट देता हूँ। किसी लॉ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, अभी याद आया स्ट्राइक हुआ इसलिए। ड्रंकर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बिकॉज ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो ऐसा है कि इसको पता है कि मैंने इसको ऑफर दिया था लैंड बेचने के लिए, इसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं सर नहीं बेच, तो मैंने इसको पार्टी पे बुलाया, डोंट माइंड एग्जांपल है, तो पार्टी पे बुलाया, इसको बोलो अब वही सोच रहा था कि इसको लॉबी गर्ल्स को तो नहीं ले सकते तो इसको बुलाया, अच्छा ये एग्जांपल आया था उधर, और मैंने इसको, उसको पता है कि मैं उसको ड्रिंक्स इसलिए ऑफर कर रहा हूँ क्योंकि मैं साइन कर सकूं, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है, और फिर भी इसने पी लिया, तो इसमें गलती इसकी है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट है, तुमने जानबूझ के पिया। एक बात समझ, इंटेंशनली मर्डर करते हो तो ही मर्डर माना जाता है, अदरवाइज एक्सीडेंट माना जाता है, लेकिन तुम जानबूझ के दारू पी के गाड़ी चला रहे हो तो तुमने किसी को मारा नहीं है, तुम बोल दो कि मैं नशे में करता चलेगा तो मर्डर का ही चार्ज लगेगा क्योंकि तुमने केयरलेसली चलाया, समझा? अदरवाइज ब्रेक फेल हो गया वगैरह तो एक्सीडेंट माना जाएगा, खाली उसको देखना है, प्रूव हो जाएगा कि ब्रेक फेल हुए थे, ब्रेक फेल हुए थे सामने बंदा आ गया क्या कर सकते हैं, नहीं कुछ नहीं कर सकते, बच जाओगे, बस थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, मगजमारी होगी, लेकिन बच जाओगे। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो इंटेंशन टू किल दैट पर्सन। अगर तुम ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो और सामने वाला बंदा मरता है और तुम ये प्रूव नहीं कर पाते कि तुम सीट पे थे ही नहीं, तुम बाजू में थे, ऐसा प्रूव नहीं कर पाते तो फिर नहीं समझा तेरे को, नहीं सुन इसको, इतने बोले मत बोलो, पता होना चाहिए, भले तुम लॉ में नहीं करोगे करियर, सीए में करोगे तो भी तुमको लॉ पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक प्रिंसिपल्स। तो लॉ अगर तुमको अकाउंट्स पता नहीं है तो तुम जी सकते हो, तुमको लॉ पता नहीं तो तुम जी नहीं सकते, सिचुएशन कभी भी आ सकती है, तो तुमको लॉ पता होना ही चाहिए, वेदर यू डू सीए और सीएस और एनी डैम कोर्स, अकाउंट्स लॉ बेसिक पता होना ही चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल से लॉ के, कि तुम जेन्युइन हो तो ही तुमको लॉ सपोर्ट करेगा, तुम केयरलेस हो तो तुमको लॉ कभी सपोर्ट नहीं करता। जेन्युइन मतलब एक फेल हो जाना, और केयरलेस मतलब तुमने ठर्रा लगा के अब इसमें मर्डर का ही चार्ज लगेगा, भले तुम कितना भी प्रूव करो, अरे फुटपाथ पे जो लोग सोए उसमें मारने में मुझे क्या सेटिस्फेक्शन है, मैं मारू तो भी मैं मेरे कॉम्पिटिटर को मारू ना, को मारू ताकि उसका करियर कंप्लीट खत्म हो जाए, मेरा फायदा हो, इनको मार के मेरा क्या फायदा, जो भी रीजन है सर, केयरलेसली अंदर गए। हाँ तुम प्रूव कर सको तो बात ये लगे कि मैं तो ट्राई नहीं, ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, मैं थोड़ी चलाऊंगा इतना अमीर आदमी, वो तो विचित्र प्राणी साइकिल भी चलाता है बाइक भी चलाता है, गाड़ी नहीं चलाता, बाइक चलाता है, मतलब उधर तुम जाओगे कभी कभी तो बाहर निकलता है वो बैंड स्टैंड उधर रात को, हम लोग एक बार गए थे उसको देखने नहीं गए थे लेकिन फिर वो हायाबुसा है ना उसके पास वो लेके निकला, तो लोग ये
उस एरिया में रहकर तुम इतना जोर से नहीं चिल्ला सकते क्रिमिनल क्रिमिनल पता नहीं वो साइकिल भी चलाते हैं बट गाड़ी नहीं चला पुलिस पकड़े तो बिल्कुल नहीं ओके क्लियर अब इसका यहाँ पे क्या लेना देना यहाँ पे लेना देना ये है कि तुम नेग्लिजेंटली अगर बिहेव करो तुमको पता है देयर वाज अ सस्पिशन इन योर माइंड कि सर तुमको दारू क्यों पी लेते तो कल तक तो जानते नहीं थे अचानक क्यों बोला है पार्टी में तो तुम खा ले रहे थे ना खा लेते जो भी खाना था वो पार्टी में हाँ खा लेते अब पेपर में चकना वगैरह नहीं आएगा लेकिन ये बिल्कुल आ सकता है कि स्टडी लॉ ऑलवेज सपोर्ट जेन्युइन पीपल ये केयरलेस है तो इसको लॉ सपोर्ट नहीं करेगा हाँ मतलब अगर लॉ को पता चले कि भाई तुमने केयरलेस की अदरवाइज क्या एक पेग लेके निकल जाने का था ड्रंकर्ड मतलब ऐसा नहीं ना कि थोड़ा सा पी लिया सुधि बुद्ध खो गई ऐसा नहीं होता ना ड्रंकर्ड मतलब तुमने ह्यूज क्वांटिटी में वो कंजम्पशन किया है इतना कि यू आर आउट ऑफ योर सेंसेस और फिर तुम्हारा गलत फायदा उठाया गया क्या क्या तो तुमको पीना ही नहीं चाहिए तुमने कभी पिया ही नहीं इससे पहले एनीवे आजकल तो नॉर्मल हो रहा है पीना वगैरह वेब सीरीज में तो देखो हर वेब सीरीज में दिखा हर वेब सीरीज में वो भी मेन कैरेक्टर को विलन को दिखाए तो बात अलग है कम से ना देखा है कभी एक एक मैंने तो एक भी वेब सीरीज नहीं देखी वो राम वगैरह वैसा नहीं है वो भी है वो हाँ उसमें वो वैसा कोई छोड़ के बाकी सारे और उसमें भी दिखाते हैं विलन के हाथ में कुछ ना कुछ मदिरा पूरा प्रमोशन हो रहा है एक भी वेब सीरीज मिस नहीं क्योंकि अदरवाइज अलाउड नहीं है ना एडवर्टाइजमेंट करना तो ऐसे कर लेंगे प्रमोशन और अगर वो मेन कैरेक्टर्स के हाथ में दिखता है तो लोग क्या सोचते हैं कि इट इज कूल थिंग बोलते हैं लेना चाहिए अच्छी चीज है फिर उसके रिसर्च पेपर भी आ जाते हैं कभी कभार न्यूज पेपर में वो एनी वे डिटेल में एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है तुम फिर ब्रांड्स के साथ शुरू हो जाओगे वो जरूरत नहीं है ड्रंकर्ड लिखोगे तो सिर्फ ड्रंकर्ड ही लिखना लेकिन ये सिचुएशन आ जाए तो भाई हम लोग को पता होना चाहिए कि ये केस स्टडी आया था मैं लॉ एंट्रेंस करवा रहा था किसी को तो मैंने बोला अरे यार ये तो जबरदस्त केस है और ये रियलिस्टिक केस है तुमको पता था फिर भी तुमने किया फंस गए अब ये तो देखा जाएगा प्रूव होने पे कि तुमको पता था और ऑब्वियस बात है ना कल जाने आज बुरा है और तुम आज आ भी गए बेशरम और ऊपर से पी भी लिए तुमको लॉ सपोर्ट नहीं करेगा फिर तुम जानो और सर जाने मैं प्रॉपर्टी ले लिया निकलो पर ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ना खरीदी गई है ये वाइडेबल नहीं है हाँ वाइड तो है नहीं वैलिड है तुम एक्शन ले ही नहीं सकते समझा हाँ तुमको पता ही नहीं था या फिर तुम्हारे पानी में किसने मिक्स कर दिया हम सब में मिक्स कर दिया वो अलग बात है ना सर वो इसके पहले भी बैठते थे दोनों के साथ अब इतना डिटेलिंग नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली हाँ क्या उसके पहले भी बैठते थे तो रेगुलर प्रैक्टिस है ना तो ठीक है ना मैंने बोला ना कल जाने का आज आज बोला है और तुमने आ गए बेशर्म की तरह समझे ना या फिर पहली बार बुलाया लेकिन फिर बाद में अभी ऐसे कुछ एग्जांपल आ सकते हैं डिटेलिंग नहीं थम्सअप के साथ मिक्स किया नहीं थम्सअप नहीं है पेप्सी के साथ मिक्स करने थे ऐसा सब नहीं आएगा लेकिन कुछ ना कुछ उसको इनोसेंटली उसने ले लिया कोई गलती नहीं तुम जज बन जाओ तुमको पता चल जाएगा कि सपोर्ट करना चाहिए नहीं बन जाए करना चाहिए बी न्यूट्रल पर्सन राइट जाएगा डिसाइड करना होगा तो न्यूट्रल पर्सन बन जाओ ज्यादा अच्छे से Yes, कर पाओगे प्रिंसिपल मैंने बता दिया कि लॉ ऑलवेज सपोर्ट जेन्युइन पीपल नॉट केयरलेस पीपल
ओके चल ये ज्वाइंट ओनर खत्म. तीसरा पॉइंट सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा एग्जांपल दिया इंस्टीट्यूट ने, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया. एक्स ने वाई के साथ फ्रॉड किया राइट, ऐसा ही है ना, और रिंग ले लिया डायमंड रिंग की बात है ना छोड़ना. अभी ऐसा मत समझना कि रिंग के बदले फ्रॉड कंसीडरेशन नहीं है, वो फ्रॉड करके रिंग लिया. हाँ सर इधर कैश सुना था काइंड सुना था फ्रॉड नहीं फ्रॉड किया और रिंग ले लिया क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के केस में वॉइडेबल. किसके वाई डिसाइड करेगा, लेकिन वाई इसके पहले की डिसाइड करे एक्स ने शानी ने रिंग जेड को भेज दी, समझा ना. तो वाई इसके पहले का ऑप्शन सिलेक्ट करता, उसके पहले ही एक्स ने जेड को भेज दी एंड जेड हैज एक्टेड इन गुड फेथ. जेड को नहीं पता, कैसे पता होगा इसके बारे में, इस फ्रॉड के बारे में जेड को पता होने का कोई चांस ही नहीं. अगर जेड सामने होगा तो बात अलग है, जेड कोई थर्ड पर्सन है, उसने करी थी इन गुड फेथ, समझा ना. तो बात खत्म, सेल इज वैलिड. वाई को डैमेजेस मिलेंगे, डैमेजेस मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे. लेकिन ये क्वेश्चन डैमेजेस का नहीं है, ये सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, इधर डैमेजेस पूछो ही मत, इधर सिर्फ इतना ही है कि सेल वैलिड है या नहीं, दिस सेल इज वैलिड. इसको पता था फ्रॉड के बारे में तो बात ही खत्म, तो सेल वैलिड नहीं है. एक्स ने बोला मैंने ना ये रिंग फ्रॉड करके लिया है, तो गलती जेड की है, तो वाई को रिंग मिलेगी. और बात एकदम सिंपल है, अगर देखा जाए तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जब तक तुम एक्शन नहीं लेते तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है, समझा ना. तो वैलिड ही था ना, तो वैलिड है तो एक्स ओनर है, तो एक्स ने भेज दी जेड को रिंग, तो लॉजिकल ट्रांजेक्शन वैलिड है. उसके बाद में वाई ऑप्शन सिलेक्ट करने जा रहा है, कर सकता था लेकिन अभी भी मतलब एक्स के पास रिंग होती तो बिल्कुल सिलेक्ट कर सकता था ऑप्शन, अभी नहीं सिलेक्ट कर सकता तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा. लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सिर्फ इतना ही पूछेंगे. नेक्स्ट सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन देयर. सेलर ने गुड्स बेच दी, सपोज मैं वहां पे भी टीवी का ही एग्जांपल दिया हो, तो अगर ऐसा समझो कि मैं टीवी मतलब मैं सेलर हूँ, ये घर पे नहीं सॉरी शॉप पे आ गई और इसको मैंने टीवी बेच दिया, लिमिटेड एडिशन टीवी है सपोज, लिमिटेड एडिशन मतलब ऐसा नहीं मिलता दूसरा, तो मैंने 35,000 में बेच दिया, लेके गई लेके नहीं गई सॉरी लेके थोड़ी जाती है टीवी के केस में, तो बेटा थैली ले आओ, अरे प्लास्टिक नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होता टीवी के देश में, 50 इंच का टीवी ऐसी लेके गए तो वो प्रॉपर पैकिंग करके हमारा बंदा आएगा, निकलो तुम बाद में भेज देंगे. अब कल डिलीवरी करनी है, सब कुछ छोटा मोटा बार करने, अब आज रात को या कल सुबह संतोष पकड़ लो, ये आ जाती है, नहीं इसको बार बार ये क्यों, ये आ जाती है नहीं, ये इसको ही लेते, इसको ही लेते, बहुत पैसे इसके पास. तो ये बोल रही है कि ये टीवी मुझे चाहिए, मैंने सोल्ड का वगैरह कुछ भी लगाया नहीं है टैग, सोल्ड का टैग लगा के ना भी देखा होगा तो वो नहीं लगाया है, मेरे पास नहीं है वो टैग, ये आ गई और उसको चाहिए टीवी, मैंने बोला नहीं बेच सकता, मैंने बोला नहीं बेच सकता, मैंने ये नहीं बोला कि मैं ऑलरेडी बेच चुका हूँ. इसने बोला इसका कितना प्राइस है, 35,000 लेकिन बेचना नहीं है, मैं 38 देती हूँ, मैं 40 देती हूँ, याद आया हर्षद मेहता 55 लाख, मैं 55 लाख देता हूँ लेकिन गाड़ी सीधा लेक्सस मेरे घर पे आने चाहिए, देखा है ना, तो उसमें सीन है वो, लेक्सस मेरे पास आनी चाहिए. तो उसने बेच दी, अगर हर्षद मेहता ये प्रूव कर सके मैंने गुड फेथ में खरीदी है, तो वो जो जो पार्टी जिसको बेचने का प्रॉमिस किया था वो कुछ नहीं कर सकता. लेकिन दोनों में बेटर कौन है, ये क्यों पता है, मैंने इसको टीवी दे दिया, डिलीवर कर दिया, इसको खाली प्रॉमिस किया था, इसको डिलीवर कर दिया, तो इसके घर पे जाके वो टीवी रिकवर नहीं, तो फिर दोनों को प्रॉमिस किया और टीवी मेरे पास है तो मुझे किसको देना पड़ेगा, फर्स्ट बार लेकिन इसको डिलीवर कर दिया ना, तो बेटर पोजीशन पे कौन आ गया, ये आ गई, तो नहीं कर सकती रिकवर,
अगर गुड फेथ में एक्ट किया है तो हर्षद मेहता वाले एक सेकंड हर्षद मेहता वाले केस में वो नहीं गुड फेथ में एक्ट कर रहे क्योंकि तो उसको पता था अरे पता था इसीलिए तो उसने लिया लेकिन अगर वो इनोसेंट है और एक ही गाड़ी दो बार बेची गई है तो दूसरे बायर को बेटर टाइटल मिल सकता है अगर दूसरा बायर लेके जाए तो पढ़ लो हाँ बिल्कुल हो जाएगा तो अब कैसे क्या उसमें क्या होगा सर कैसे डैमेजेस देख नहीं देता ना तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा देती लेकिन अभी ऑलरेडी दूसरे को दे दिया तो कोर्ट कैसे देगा अदरवाइज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल जाता इसलिए मैंने लिमिटेड एडिशन का एग्जांपल दिया और दूसरे जगह पे मिल ही नहीं सकता टीवी से तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवाओ कोर्ट बोलेगा दे सकते थे बिल्कुल दे सकते थे अगर वो रिजेक्ट करते तो अभी है ही नहीं उनके पास टीवी की तरह से थे उसको भी नहीं कर सकते उसकी क्या गलती उसने थोड़ी कुछ बोला उसको अगर लगे तो वो दे सकती है लेकिन प्लीज करना पड़ेगा वो थोड़ी है रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी दूसरा डीवी ले लो क्या फर्क उसमें क्या रखा है सर अच्छा लिमिटेड एडिशन टीवी के टाइम में होगा क्या वगैरह ऐसे क्वेश्चन मत पूछो हाँ मैंने थोड़ा रियलिस्टिक लगने के लिए बोला जैसे हर्षद मेहता में दिखाया था ना कि वो गाड़ी इंपोर्ट होके आती है तो वो लिमिटेड एडिशन ही बोल सकते हैं इनवे रेयर है लिमिटेड एडिशन ही रेयर है जबरदस्त सीन दिखाया सर अच्छा लगता है ना सीन देखने के लिए 55 लाख मैं 55 लाख देता हूँ गाड़ी मेरे पास आनी चाहिए उस वक्त 55 लाख 90, 91 हाँ अभी तो क्या वो 1 करोड़ 2 करोड़ भी कुछ नहीं वो है ना वो कार्तिक आर्यन उसका था ना वो ऐसे ही लेके आ गया तो उसके ऊपर कुछ 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भरा उसने कुछ 5 या 10 लाख इम्पोर्ट जल्दी आना चाहिए उसके सोच ले लाएगा किधर इंडियन रोड पे ना रोड थोड़ी नहीं लेगा कितना रईस होगा तो होके मेरी वाइफ रहती है उधर डोंबिवली साइड तो उधर बहुत सारे अमीर लोग हैं क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत बड़ी बड़ी थी तो बेच के एक घर में बंगलो है पॉलिटिशियन है तो उसके पास वो कुछ एक मुझे नहीं पता उस सीरीज का नाम लेकिन वो एक क्या बोल सकते स्पोर्ट्स कार सीरीज में आती है तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना सा है तो वो और डोम्बिवली की रोड इससे 1000-100 गुना खराब है ये भी कौन से अच्छे सोचो वो कितने खराब होंगे तो उधर कैसे चलाएगा बंदा मतलब सोचो कि बंगलों के प्रीमाइसिस में चलाते हो क्या तो बाहर निकालेंगे तो खड्डे है इमीडिएटली गेट के बाहर निकालोगे तो भी नहीं जाएगी मतलब स्पीड ब्रेकर पे नहीं जाती अपने ब्रेकर पे लगेगा ना नीचे शौक दिखाने के लिए लेकिन दिखाने के लिए कोई 2 करोड़ की गाड़ी क्यों लेगा दिखाने के लिए सिर्फ दिखाने के लिए मेंटेन करना तो भाई हाँ वो ऐसी मिली है प्रॉपर्टी मतलब टाउन साइड जो बाइक्स नहीं दिखती वो उधर दिखती है तुमको ऐसा लगता है मुंबई में टाउन साउथ मुंबई में अमीर लोग रहते हैं ऐसा नहीं है उधर क्योंकि लैंड जमीन की जमीन थी वो बड़े बड़े बिल्डर्स को बेच दी कुछ ऐसी बेची कुछ ऐसे बेची है ऐसे बेचने के भी किस्से है बिल्डर ने रिलेशन बनाया अचानक नहीं किया रिलेशन बनाया और इतना अच्छा रिलेशन बनाया कि फिर बाद में फ्री में नहीं लिया बहुत सस्ते में दिलवा दिया वो बहुत चालू चीज है बिल्डर किसी के रिलेटिव होंगे तो डोंट माइंड इन जनरल बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक नहीं रियल एस्टेट वाला बंदा डिसेंट बंदों के लिए वो प्रोफेशन नहीं है इतना तो यूजुअली हाँ मेरे पे आएगा नहीं है ना 10 में से 8 बिल्डर तो खराब ही है 2 हो सकते अच्छे और मतलब तुम अच्छे रह भी नहीं सकते उस इंडस्ट्री में अच्छे रहोगे तो उल्टा फंस जाओगे
रिस्क भी बहुत हाई रहती है उसमें। हाँ बहुत सारे झोल झपट करने पड़ते, बहुत झोल करने पड़ते, तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए। एनीवेज क्लियर है, पढ़ लो पूरा। मतलब सेल हो चुका है बायर को, मतलब बायर ओनर बन चुका है, तो सेलर वो चीज वापस किसी को बेच नहीं सकता, लेकिन बेचे और वो गुड फेथ में खरीदे तो वॉइड है, वैलिड है। पढ़ लो पूरा। वाले वाला दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक्स के पोजीशन में है तभी तो बेच सकते हैं, तभी तो उसको गुड फेथ वाला बोले। तो भी सेल वैलिड है, इसके बारे में वो लॉ ने दिया नहीं है, क्वेश्चन वैलिड है तेरा, लेकिन लॉ में दिया नहीं है तो क्यों इतना सोचने का। लॉ में क्लियरली बोला है कि बेच दी तो सेल वैलिड। अब पोजीशन इम्पोर्टेंट नहीं होता, ट्रांजेक्शन इम्पोर्टेंट होता है, इस केस में ले सकता है वो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन था और अब तुमको भले जज बनना, वो बनने के लिए मैंने ही बोला, लेकिन लॉ को कंसिडर करके जज बनना है। तुमने सुना होगा ना कि जज के हाथ में कुछ ज्यादा नहीं रहता, उसको खाली लॉ इंटरप्रेट करके डिसीजन सुनाना है। तुमको भी वैसे ही सुनाना है, हमको टेक नहीं लेता, दे दो रिंग, ऐसे नहीं, लॉ में प्रोविजन क्या है वो देख के डिसीजन देना है। इसलिए रियल मतलब करियर अगर कुछ कहे तो वकील का होता है, जज को तो कुछ है नहीं, जज को खाली उसको फिक्स सैलरी मिलती है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। जज का इनकम नहीं होता, इनकम किसका होता है, वकील का होता है, और उसके लिए अनलिमिटेड है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं होता, वो दिन का 20 लाख भी चार्ज करते हैं, दिन का 20 लाख। और उसके लिए ऐसा नहीं कि भाई फॉरेन से एजुकेशन चाहिए, भाई तुमको इधर का आगे बात करूं। अब ये कौन रहे, आर्यन का केस, लॉयर के पास गया, नाम भूल गया मैं, नाम मान शिंदे ऐसा कुछ लॉयर है उसका नाम, वो रिया चक्रवर्ती का केस भी उसी के पास था, वो दिन का कुछ 17-18 लाख ऐसा ही चार्ज करते जोरदार। वो ऐसा भी नहीं कि एकदम जबरदस्त, लेकिन उसको पता है कि कैसे क्या क्या करना है, he's an expert। गए ना रिसेंटली, क्या हुआ तो होता नहीं मुझे हियरिंग के कितना चार्ज करते थे। अरे भाई वो जल्दी सेटल करता था मैटर, बड़े केस ही लेता था वो। राम जेठमलानी सिर्फ पॉलिटिशियंस के और हर्षद मेहता वगैरह जैसे हाई प्रोफाइल केसेस लेते थे, छोटे मोटे केसेस में थे ही नहीं। एल के अडवाणी वाजपेयी के टाइम के वो मिनिस्टर, अभी नहीं है बीजेपी से रिटायर, तो उनका केस भी इनके पास था, बहुत बड़े बड़े केसेस लिए राम जेठमलानी ने, बड़ी चीज थी। हर्षद मेहता का केस जिसने किया, पर बहुत सारे चार्जेस हटा दिए ना, जितने चार्जेस लगाए उसमें से बहुत सारे चार्जेस कम करवाए राम जेठमलानी ने, तो बहुत बड़ा काम किया था राम जेठमलानी ने हर्षद मेहता को। उसी के बाद तो राम जेठमलानी सबको पता चला, सबको पता चला, मतलब उन्होंने जो किया वो सब कर सकते थे कि ऐसा ही स्पेशल टैलेंट होगा ना, लेकिन बहुत लोग कर सकते हैं, उतना किसको कर रहा है, उतना चाहिए तुमको पैसा, पर सीएम में उतना नहीं लेकिन सीएम में ये है कि स्ट्रगल भी नहीं है ज्यादा, खाली तुम एग्जाम क्लियर कर लो। लॉ में स्ट्रगल का पीरियड ज्यादा है, तुम बोलते हो कि वही लोग कर सकते हैं जिनको घर से सपोर्ट है, कि जरूरत नहीं है कि 25 की उम्र में पैसे लाके दे, 27 चलेगा, 28 चलेगा, 30 तक चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट होने के लिए 30 लग जाते हैं। डॉक्टर को भी सेम है,
पैसा नहीं खाली वकील, डॉक्टर को भी सेल। पढ़ाई डॉक्टर को 30 तो आ ही जाते हैं, इसीलिए तो वो लूटते हैं बाद में। इतना पढ़ते हैं, इतना खर्चा करते हैं एक्सपेंस, और फिर तो वसूल करेंगे ना डॉक्टर्स। हाँ क्या वो, अरे 24 घंटा ड्यूटी रहता है, 40 आवर्स का ड्यूटी लिए। मेरा फ्रेंड है ना, एक दूसरा फ्रेंड, वो प्रॉपर वो अभी यूके में गया क्योंकि इधर नहीं होता उसका, तो नाउ ही इज हैप्पी क्योंकि वहां पे आवर्स, इधर तो 48 आवर्स का ड्यूटी करके आ जाते थे। नाइट आउट को बोला भी नहीं सकते, सुखी समूह से बोलेंगे हम, मैं अभी 48 करके आए नहीं, तू घर पे ही रहे, तू घर पे ही रहे प्लीज, हम लोग कर लेंगे तेरे बगैर मैनेज। हालत खराब होती थी, मतलब पढ़ाई किया उसके बाद वहां पे जाके भी पढ़ना होता है। हाँ, और उसको मतलब डॉक्टर्स का तो होता ही नहीं है, उसको तो कंटिन्यूस पढ़ना पड़ता है। सीए को बोलने के लिए बोलते हैं, थोड़ा बहुत अपडेट हो गया बात खत्म हो गई। डॉक्टर्स को थोड़ा बहुत अपडेशन नहीं चाहिए, उनको वो जर्नल्स पढ़ने पड़ते कि रिसर्च क्या हुआ लेटेस्ट वगैरह। डिस्पेंसरी में जो काम करते हैं उनको उतना नहीं, लेकिन बहुत सारा कंटिन्यूस। सीए में उतना नहीं रहता लगेगा ना, लेकिन तू जॉब तो कर सकता है ना, और जॉब में अच्छा पैकेज मिलेगा, और प्रैक्टिस सेट होने के लिए भी उतना टाइम नहीं लगता। सीए में प्रैक्टिस सेट होने में उतना टाइम नहीं लगता जितना बाकी केस में लगता है, और खर्चा नहीं है, खर्चा तो है ही नहीं, घर से कर सकता है, लॉयर भी कर सकता है, पर वो सीए तो घर से ही करते है। घर थोड़ा बहुत बड़ा है जो मुश्किल है मुंबई में, लेकिन वो है तो फिर सेट हो सकते। सीए के प्रैक्टिस में उतना टेंशन नहीं, लॉ में थोड़ा ज्यादा टाइम देते, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खर्चा सीए से कम है, लॉ का खर्चा, बाकी खर्चा सीए से कम है। सबसे सस्ता प्रोफेशन लॉ है, और सबसे अभी सबसे ज्यादा इमर्जिंग बोलते हैं, इमर्जिंग नहीं बोल सकते, अभी सबसे ज्यादा ऊपर बढ़ना ट्रेंडिंग ऊपर जा रहा है, मतलब ग्राफ जिसका, तो वो लॉ का जा रहा है, सीए का नहीं जा रहा। नहीं था ना, सीए को पहले से स्कोप है ना, तो जो ऑलरेडी पहले से है तो वो सैचुरेशन आ जाता है, तो नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, अपवर्ड ट्रेंडिंग नहीं है, लॉ अपवर्ड जा रहा है क्योंकि पहले नहीं था उतना, अभी आ रहा है। सबसे पुराना लॉ प्रोफेशन है सब तुमको पता है, डॉक्टर और लॉ सबसे पुराने प्रोफेशन है। सीए तो 1949 वगैरह के बाद 50s में उसको तो 60s के आसपास उसको ऑटोनॉमी मिला, मोनोपोली 49 में फॉर्म हुआ इंस्टीट्यूट, और उसको पावर्स वगैरह मिलते मिलते और 6-7 साल लगे, जबकि लॉ का प्रोफेशन तो 1872 का तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो कब से है। हम जेठमला नहीं कहते, पूरा खानदान था लॉ एंड ऑर्डर में, उसके पहले भी थे। उल्टे लोग उल्टी बात है। सीए प्रोफेशन को ओवरऑल ग्लैमर पिछले 6-7 साल में मिला है। 10 साल पहले सीए डिफिकल्टी था, सीए को वो भी अच्छा था, लेकिन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को उतना सीए के बारे में कुछ अट्रैक्शन नहीं था या रिस्पेक्ट नहीं था जो पिछले 7 साल में सीए को मिला। हम जब कर रहे थे सीए तो हमको पता है भाई सीए को इतना कुछ वाह सीए ऐसा नहीं देखा जाता था जो आज बिल्कुल देखा जाता है। सीए कर रहे हैं बाबर, कॉमर्स वालों के नजर में ही रिस्पेक्ट होती थी सीए को, कर रहा है तो कर रहा है तो, अभी ओवरऑल ही अरे वाह सीए कर रहा है बहुत डिफिकल्ट होता है, उतना ही डिफिकल्ट है जितना पहले था, लेकिन अभी थोड़ा वैल्यू बढ़ गया, इंजीनियरिंग का कम हो गया, इंजीनियरिंग की वैल्यू बहुत कम हो गई, सीए का वैल्यू बढ़ रहा है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये होता है कि तुम जो करना है वो करो, लेकिन इस पे भी ध्यान दो कि जिसमें ग्रोथ किधर ज्यादा है, नहीं समझा, ग्रोथ एटलीस्ट तुम्हारा मेन नहीं तो प्लान भी तो बन ही सकता है, नहीं समझा। अब इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, उल्टा अगर मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ तो मेरे कॉम्पिटिटर्स में पैदा कर रहा हूँ मार्केट में, इनोवे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो काम मेरे हाथ में आने वाले वो आने ही वाले, नहीं कोई सुपरस्टिशन नहीं है, भगवान पे भरोसा वगैरह ये बात नहीं है, वो आने ही वाले उतने में कॉन्टेक्स्ट का प्रोविजन करूंगा, वो भी नहीं किया तो क्या करें किया, और ये तो प्रोफेशन है ही मेरा, और लॉ का प्रोफेशन अनऑफिशियली चल ही रहा है, अनऑफिशियली
वाइफ ऑफिशियली, मैं तो नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करता, मैं खाली ऑन पेपर में किधर भी नहीं हूँ। एनीवेज उसका एक अलग कैलकुलेशन है, वो तो अभी तक वाइफ को भी नहीं बोला। चोर के घर चोरी करेगा। समझोगे थोड़ा स्मार्ट, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड में जो बंदा होता है उसको प्रैक्टिकल बन ही जाता है। मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि अगर सीख कर रहे हो और नहीं भी हो पाए तो भी बहुत कुछ सीख जाते हो, प्रोवाइडेड सीखने की इच्छा है तो, नहीं तो बस वो टैग लेके घूमते रहे कि फेल हो गया छोड़ दिया सीए। छोड़ा अगर होगा भी सीए तो भी, मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन होगा तो भी उसमें से बहुत कुछ सीखते हो प्रोवाइडेड तुम उसमें से कुछ लोगे तो। मैं हर डिग्री का बेनिफिट उठा रहा हूँ इस प्रोफेशन में, होकर मैं हर डिग्री उठा रहा हूँ। मतलब मैंने बैंक में जो अकाउंट्स अच्छे से पढ़ा था वो मुझे अभी काम आ रहा है, कि मैं उधर के एग्जांपल्स लिंक कर सकता हूँ जबकि मेरा अकाउंट्स वीक है, लेकिन मैंने बैंक में थोड़ी बहुत 2 साल तो बेसिक थी वो काम आ रहा है। मैंने ड्रामेटिक्स में काम किया था उसका तो फायदा हो ही रहा है कि स्टेज फियर है ही नहीं या बहुत कम है। इसके जगह पे 1000 स्टूडेंट्स होंगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, अरे बाप रे हाथ। तो स्टार्टिंग से ही नहीं, मतलब डे वन से जब से प्रोफेशन में हूँ तब से मेरे को ऐसे पेट में होता है ना कुछ, वो सबकी सुनने की ऐसी बात करे बहुत कम बहुत कम। तो हर चीज को फायदा उठाओ और क्या है, चल रहे रखा क्या है, चल रहे आगे बढ़ रहे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। बायर है, बायर पहले सेलर था भी बायर है, अभी समझो ये बायर है। अच्छा मैं बायर हूँ सपोज, अभी तक मैं ओनर बना नहीं हूँ, ऐसा कैसा सर बायर के ओनर नहीं बना, बाद में बनेगा, लेकिन अभी ओनर नहीं हूँ। तो अभी ओनर नहीं हूँ और गुड्स मेरे पास है, देखा मैं ओनर नहीं हूँ लेकिन अभी तक मेरे पास गुड्स है। ओनर बनने वाला हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे के बाद, तो मैं अभी टेक्निकली गुड्स बेच नहीं सकता, लेकिन अगर बेचू और सामने वाला गुड फेथ में खरीदे तो वैलिडेशन। हाँ खत्म, इतना ही है। सो बायर इन पोजेशन ऑफ द गुड्स बिफोर सेल, समझा क्या? हायर परचेज में ले सकते, अदरवाइज नहीं ले सकते। देखो पढ़ना, हायर परचेज वाला नहीं पढ़ना है, हाउएवर नहीं पढ़ना, हायर परचेज में नहीं बेच सकता क्योंकि हायर परचेज में बायर नहीं है, वो हायरर है, लास्ट तक हायरर है, कब तक, लास्ट इंस्टॉलमेंट तक। तो हायर परचेज में नहीं, बाकी पढ़ लो पूरा पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। हाँ एग्जाम्पल में हायर परचेज, सेकेंड पैराग्राफ चेक कर, उसमें दिया होगा कि हाउएवर इट इज नॉट एप्लीकेबल टू हायर परचेज, ऐसा कुछ होगा। क्या बोलो ना, However, a person in possession of goods under a higher purchase agreement, which gives him only an option to buy, is not covered within the section unless it amounts to sale. तो वही तो बोला मैंने कि हायर परचेज में तो खाली ऑप्शन रहता है ना कि चाहो तो हायर करो चाहो तो परचेज करो। तो उस केस में अगर मैं वो चीज, मतलब से फॉर एग्जाम्पल मैंने हायर परचेज तो मशीन ली है और मैंने किसी को बेच दी तो उसने फेथ में भी खरीदी तो वो सेल वैलिड नहीं है, हायर परचेज को रूल अप्लाई नहीं होता। बायर जिसको थोड़ी देर के बाद परचेशन पर,
ओनरशिप पक्का ट्रांसफर होने वाली है, अभी नहीं हुई तो वो सेल वैलिड है। हायर परचेज में ऐसा नहीं है, हायर परचेज में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हायर परचेज में बीस दिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं, वॉइड है, एग्रीमेंट ही वॉइड है, उसकी वैल्यू ही नहीं है। ये तो लिख दो, अगर तुमको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो, तो हायर परचेस को अप्लाई नहीं होता था मतलब ये है कि हायर परचेस के केस में ये गुड फेथ वाला लॉजिक काम नहीं आएगा। मतलब अगर मैंने उसको गुड फेथ में वो मशीन बेची, उसने गुड फेथ में ली, तो ये सेल वैलिड नहीं है, देनी पड़ेगी वापस, क्योंकि अभी बेटर पोजिशन पे वो ओरिजिनल ओनर आएगा। दिमाग में अभी आया था, पहले भी आया था, पर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि गुड सेंट ऑन अप्रूवल बाद में आने वाला है, अकाउंट्स में हो गया। गुड सेंट ऑन अप्रूवल होता है ना, गुड सेल ऑन अप्रूवल होता है ना मुझे, हाँ गुड्स ऑन अप्रूवल होता है पता है, तो उसमें ओनर कब, बायर कब ओनर बनता है, जब वो सामने वाले को बोल देता है कि यस आई हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, समझा, आई एक्सेप्ट द गुड्स, ये मैं अगर बोल देता हूँ तो, या अगर उसने 10 दिन का टाइम दिया है कि 10 दिन में चाहो तो रिटर्न कर सकते हो, 10 दिन में कुछ नहीं बोलता तो भी वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, या फिर मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि वो मैं गुड्स किसी और को बेचता हूँ तो भी माना जाएगा, ये है गुड्स ऑन अप्रूवल में। फिर अगर वो अकाउंट्स में अच्छे से हो गया ना तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तुम खुद ही कर लो, यही यूनिट में आता है। पढ़ के बोल, कब समझ में आएगा बाद में, मतलब यूनिट 4 में राइट ऑफ लीन है तब समझ में आएगा। लीन का मतलब ये कि जब तक पेमेंट नहीं देते तब तक मैं गुड्स नहीं दूंगा। चल बता देता हूँ, सेलर को राइट मिलता है राइट ऑफ लीन का। लीन का मतलब क्या पता है, बायर ओनर बन रहा है या बन चुका है वगैरह जो भी है, गुड्स सेलर के पास हो सकते हैं और सेलर बोलता है कि जब तक पेमेंट नहीं देते तब तक तुमको गुड्स नहीं दूंगा, ऐसा होता है। ठीक है, बात समझ में आ जाएगा। फिर भी नेक्स्ट पेपर में लीन का पॉइंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तुमको ये लिखना है कि बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ, बाकी मत करो कुछ भी लिखते टाइम, वापस बोल रहा हूँ बाकी कुछ मत करना, सब में एक चीज कॉमन लिखना, एक्टेड इन गुड फेथ, और एक सिंपल वर्ड्स में मीनिंग लिख सकते हो। क्या लिखो इसमें, कि बायर हैज परचेज द गुड्स बट ओनरशिप इज नॉट येट ट्रांसफर्ड एंड बायर सेल द सेम टू द थर्ड पर्सन, देन दिस सेल इज वैलिड प्रोवाइडेड द अदर बायर, द सेकंड बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ। सिंपल, क्यों कर रहे हो कॉम्प्लेक्स, मत करो कॉम्प्लिकेट। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, बोला था बाद में आएगा, आ गया। अब एस्टॉपल का मतलब ये है कि अगर एचएमसर की कोई प्रॉपर्टी इधर है, सपोज नीचे गुड्स है, और तुम एचएमसर के पास गए और बोला कि मुझे खरीदना है, और एचएमसर ने बोल दिया है जो भी बात करना है ओमकार सर से बात करना, या यज्ञेश्वर से बात करना सपोज, और यज्ञेश्वर से तुमने बात की, यज्ञेश्वर ने वो प्रॉपर्टी सीधा तुमको बेच दी, तुमने खरीद ली, तो एचएम सर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते क्योंकि एचएम सर ने खुद बोला था कि इसके बारे में जो भी बात करना है। अब इसमें गलती यज्ञेश्वर की जरूर है, लेकिन तुम तो इनोसेंट हो ना, यू हैव एक्टेड इन गुड फेथ, तुमको लगा कि भाई यज्ञेश्वर कोई बेचने का पावर है, तो तुमको इससे लेना देना नहीं कि ओनर कौन है। अगर ओनर खुद बोले कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, ये बोलेगा और तुम इससे खरीद लोगे तो वो सेल वैलिड है। अब इससे उनका, इससे तुम्हारा क्या लेना देना कि एचएम सर ने यज्ञेश्वर को पावर दिए या नहीं दिए, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुमने खरीद लिए, और तुमने थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में खरीद लिए, एचएम सर ने बोला,
बोला तो बाद में पलटी नहीं, इसका अच्छा चंकी पांडे के कैसे क्या लेना देना है ना, वंस यू स्टेट समथिंग लेटर यू कैन नॉट डिनाय, वही है यहाँ पर पढ़ लो। अच्छा ये ऐसा भी है कि एच एम सर की प्रॉपर्टी गुड्स एच एम सर के सामने यज्ञेश सर तुमको बेच रहे और एच एम सर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे तो भी स्टॉपर है, मतलब बैठे हैं दोनों और यज्ञेश सर कोई गुड्स तुमको बेच रहे जो यज्ञेश सर के नहीं है एच एम सर के तो भी बेच रहे और यज्ञेश सर एच एम सर कुछ नहीं बोलते तो इसका मतलब क्या है स्टॉपर, कुछ ना बोलना भी तो बोलने के बराबर हो सकता है, पढ़ लो। सारे हेडिंग्स कवर होने चाहिए, पूरा क्वेश्चन आ गया तो एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी द आंसर इज वेरी लेंथी और एक एक लाइन का तो एक्सप्लेनेशन बनेगा एक दो लाइन का तो आंसर ऑलरेडी लेंथी हो जाएगा और 12-13 मार्क के लिए तो आंसर पूछते नहीं है, 7 मार्क के लिए पूछेंगे 8 मार्क के लिए पूछेंगे, नहीं खाली हेडिंग मतलब कुछ तो मीनिंग आना चाहिए ना, हेडिंग मत लिख चलेगा सीधा सेंटेंस लिखो, मैं किधर बोल रहा हूँ कि हेडिंग कंपलसरी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि 8 के 8 पॉइंट्स आने चाहिए, तो अगर हेडिंग खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मतलब हेडिंग में एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है मत लिखो, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है बायर शुड एक्ट इन गुड फेथ तो वो तो लाइन जाएगी ही जाएगी, या तो तुम सीधा 6 पॉइंट के एंड में बोल दो इन ऑल द अबव केसेस बायर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ, भाई तुमको कन्वे करने आना चाहिए, समझ में आया ना, फिर तुम कैसे भी करो हर पॉइंट में मैं क्यों लिखू बायर शुड एक्ट इन गुड फेथ, उससे अच्छा मैं सीधा लिख देता हूँ 6 पॉइंट के एंड में, लेकिन एक दो पॉइंट से उसमें बायर गुड फेथ की जरूरत नहीं है कि मैं बोल चुका हूँ। हाँ नेक्स्ट पॉइंट सेल बायर कंपेयर, हाँ इसमें गुड फेथ की जरूरत नहीं है, अब बात सिंपल है तुम पेमेंट कर ही नहीं रहे हो, तुम ओनर बन चुके हो गुड्स के, गुड्स मेरे पास है लेकिन तुम ओनर बन चुके हो, तुम पेमेंट ही नहीं कर रहे हो तो मैं क्या करूंगा गुड्स किसी और को बेच दूंगा, तुमने बुक किया था तुम्हारे लिए रखा था लेकिन तुम कितना टाइम हो गया तुम पे ही नहीं कर रहे हो और पे करने का कोई इंटेंशन भी नहीं दिख रहा तुम्हारा, तो मैं रुकूंगा थोड़े दिन रुकूंगा थोड़ा रीजनेबल पीरियड तक तुमको नोटिस दे दूंगा और तुम दे ही नहीं रहे हो तो मैं क्या करूंगा किसी और को बेच दूंगा, लेकिन मैं ओनर नहीं हूँ, मैं ओनर नहीं हूँ, ओनर तुम हो फिर भी क्या करूं मैं, तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो तो प्लीज से लीन भी है, लीन मतलब बेचना नहीं, लीन मतलब रखना और स्टॉक और रीसेल मतलब बेचना, ये यूनिट 4 में कवर होगा, टेंशन मत लो हो जाएगा, यूनिट 4 अनपेड सेलर का ही है। तो वही तो बोला ना ये एच एम सर है इनके सामने यज्ञेश सर बोल रहे हैं कि मैं गुड्स तुमको बेचता हूँ और यदि इफ ही रिमेन साइलेंट सर इसमें मियर साइलेंस हाँ इज एन एक्सेप्शन, एक तरीके से ये माना जाएगा कि एचएम सर ने परमिशन दी है लेकिन मैंने नहीं दी थी, और तू बोला होता ना तभी के तभी कर लेते, समझा ना,
यदि सर एजेंट है क्या नहीं है, अथॉरिटी है क्या बेचने की नहीं, देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ एजेंट्स और आल्सो नो सेल दैट कमोडिटी, बट ऑब्जेक्शन तो रेज करना चाहिए ना, तुम्हारे गुड्स कोई तुम्हारे सामने बेच रहा है, तुम ऐसे ही देखते रहते हो, थोड़ी हो जाए क्लियर है। अब इधर भी बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ, बायर सो दैट बायर को अगर पता चलता है कि कुछ अब एजेंसर बोलेंगे मैं ध्यान नहीं था वगैरह, इसका कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारे सामने हो रहा है ना तो नहीं, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, हो सकता है कि ध्यान नहीं था, ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट में चल सकता है क्या, सोचो, नहीं चल सकता। नेक्स्ट अनपेड सेलर समझाना, और अनपेड सेलर पूरा समझाएगा, समझने की जरूरत ही नहीं, यूनिट फोर तो अनपेड सेलर पे ही है, वो तब हो जाएगा, यूनिट फोर में ना हेडिंग का नाम ही अनपेड सेलर है, मतलब यूनिट का नाम। नेक्स्ट अदर एक्ट्स, अदर एक्ट्स मतलब अदर देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बराबर, प्लस क्या है, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी विल गिव द परचेजर अप, व्हाट इज वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, आर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन द सेम थिंग्स, कंपनी का बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप का नहीं, पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता, पार्टनरशिप में भाई डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन होते हैं, पार्टनरशिप इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, सम डिफिकल्ट हो सकते हैं, मगर पार्टनरशिप का नेचर इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट नॉट इन द केस ऑफ कंपनी। तो कंपनी में वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन दोनों अलग है, वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस, डिसोल्यूशन इज द एंड, वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ असेट्स, asset based realization of assets and payment of liabilities and surplus if any remains shall be distributed among the members of the company, shareholders of the company, samajhna hai, this is called as winding up, lekin winding up mein agar directors ke haath mein hi control de diya to wo kya kar denge, sare assets bech denge aur paisa kha ke nikal jayenge, samjha na, to ek third person ko appoint kiya jata hai aur directors ke haath se control chheen le, ये थर्ड पर्सन न्यूट्रल होता है, इसको एनसीएलटी अपॉइंट करती है, मतलब कोर्ट, कोर्ट जैसी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनीज एक्ट में होगा, कंपनीज है ना तुमको चैप्टर, तो उसमें एनसीएलटी आएगा, तब हम डिस्कस करेंगे, एनसीएलटी मतलब कोर्ट जैसा क्वाजी जुडिशियल बॉडी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट कमीशन था ना ऐसे ही है, कोर्ट जैसा। समझा क्या, तो एनसीएलटी क्या करेगी ना, थर्ड पर्सन को अपॉइंट करेगी जिसके पास अदरवाइज जिसका कोई लेना देना ही नहीं है कंपनी से, तो उसको बेचने का पावर तो कल तक नहीं था, आज आ गया, सेल वैलिड है अगर बेचे तो, अदरवाइज कौन बेच सकते थे, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स होते हैं ना कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, शेयर होल्डर भी नहीं बेच सकते, रिलायंस जियो की प्रॉपर्टी में बेच सकता हूँ क्या मेरे पास शेयर से, तो नहीं, मुकेश बेच सकता है, उसको पावर है ना, तो वो बेचे तो बनता है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आके बेचे तो, लिक्विडेटर है तो बनता है, ऑफिशियल रिसीवर है तो बनता है, इनको कौन अपॉइंट करता है, कोर्ट, या तो कोर्ट अपॉइंट करेगा या तो ये कंपनी का कोर्ट है, कंपनी के सारे मैटर्स इधर जाते, समझा ना, पता होना चाहिए, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल, पहले हाईकोर्ट के पास जाते थे, अब इसके पास जाते, नहीं डिसोल्यूशन लास्ट स्टेप है, मतलब खत्म हो गया, मतलब कंपनी खत्म हो गई तो उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं, खत्म होने के प्रोसेस को वाइंडिंग अप बोलते हैं, नेशनल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और ट्राइब्यूनल, टी आर आई बी यू एन ए एल, इस आंसर में वो लिखने की जरूरत नहीं है, और एनसीएलटी तो वैसे भी याद रखना ही पड़ेगा, कंपनी में आएगा और आने वाला है, एलएलपी में भी आने वाला है, ये एलएलपी में भी आने वाला है, दोनों के लिए है कोर्ट, एलएलपी के लिए भी है और कंपनी के लिए भी, तो दोनों में एनसीएलटी आने वाला है। एनीवेज नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फाइनल गुड्स विल गेट अ वैलिड टाइटल अंडर सर्कमस्टेंसेस सेक्शन 1, हां तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स अगर आ गए, मैंने बोला था कि वो बेच सकता है किसी को, हाँ तो बेचे तो सेल वैलिड है, लेकिन वो ओनर नहीं है। अब इन तीनों भी केस में, अनपेड सेलर और वगैरह वाले सारे केस में, उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वो ओनर है,
बायर को गुड फेथ में परचेस करने की भी जरूरत नहीं है, समझो बात को। वो सीधा मुंह पे बोलेगा कि देखो ये चीज मुझे मिली हुई थी, अब उसको ओनर मिला नहीं, मिलने के चांसेस भी नहीं लग रहे, तो तुम खरीद लो। ये बोल के बेच रहे तो भी गुड फेथ का रिक्वायरमेंट ही नहीं। नेक्स्ट, अ सेल बाय पोनी कैन कन्वे अ गुड प्लेज है, पता है प्लेज गिरवी रखना। प्लेज का इंडिया इज माय कंट्री नहीं है, प्लेज और आल्सो नोन एज पोन, प्लेजर इज आल्सो नोन एज पोनर, प्लेज इज आल्सो नोन एज पोनी। तो एक चुप चुप के मैं ऐसा दिखाया कि परेश रावत अपनी नाव गिरवी रखता है, समझो पुरी को, ओम पुरी और बदले में लोन देता है, समझा खत्म। परेश रावल प्लेजर पुरी छोड़ो, ओम पुरी जाने दो छोड़ो, ये समझा क्या। तो ये प्लेज का ट्रांजेक्शन है ना, प्लेज इज ऑल्सो नोन एज पॉन, तो तुम वहां पे प्लेज ही लिखोगे तो भी चलेगा, 100% चलेगा, मतलब दोनों इक्वली वैलिड इंटरचेंजेबल टर्म्स, कुछ भी यूज हो सकता है। हाँ बात समझो, अभी अब परेश रावल अभी लोन देगा ही नहीं, उसको रिपे करेगा ही नहीं, तो क्या करेगा, ओम पुरी बेच देगा, लेकिन वो तो ओनर नहीं है, फिर भी बेच सकते है। और ये बोल के बेच सकते है कि नाव मेरी थी ही नहीं, नाव तो इसकी थी, लेकिन वो रिपे नहीं कर रहे तो तुमको बेच रहा हूँ। तो इधर भी गुड फेथ का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गुड फेथ मतलब क्या है सर, गुड फेथ का मतलब बायर सेलर को ही ओनर समझ रहे, जबकि सेलर ओनर नहीं है, तो भी समझ में आया नहीं है, तो वहां पे वो बाजू में लिख देना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि तुम सिक्स यूनिट सिक्स पॉइंट के लाइन लिख सकते कि ऑल द अबव केसेस बायर शुड एक्ट इन गुड फेथ, समझा ना, एक ही लाइन में लिख सकते हो, डिपेंड सब में लिखना है सर, एक एक लाइन सब में लिख दो। मैं होता तो मुझे कम में लिखना, तो मैं लिख देता सिक्स पॉइंट के एंड में इन ऑल अबव केसेस बायर हैव मस्ट एक्टिंग गुड फेथ, और लास्ट दो में नहीं, तो उसको ये भी पता चलेगा कि हाँ उसको ये भी पता है कि भाई कल ही पहले छह पॉइंट में ही है, लास्ट दो पॉइंट में नहीं। अच्छा ऐसा मत लिखो कि देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फेथ वगैरह, लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों लिख रहे हो एक्स्ट्रा लाइन, समझा खत्म खत्म। निमो डेट कोड नो हैबिट करो, वो एक ही करना था। चलो बाय। हाँ बोलना, हाँ जाना अभी वैसे भी खत्म, हाँ देना, हाँ सॉरी अच्छा वो मिल अभी 80 को ना।